जी सर। जी मिस आरा, आपके फादर की जो है वो बेल अप्रूव हो गई। रियली? हाँ, मैं जेल जा रहा हूँ, बेल के डॉक्यूमेंट्स ले, आप वहीं आ जाइए। थैंक यू सो मच। ओके, अल्लाह। मॉम, डैड की बेल हो गई है। क्या वाकई? बहुत मुबारक हो, ये तो बहुत अच्छी बात है। पापा की बेल हो गई, जल्दी जाए आप ही, यानी मैं डैड से मिल पाऊंगी, उनको देख पाऊंगी। हाँ मेरा बच्चा, सिर्फ तुम नहीं, हम सब उन्हें देख पाएंगे। तुमने मुझसे खुला लेकर बहुत बड़ी गलती की है रंग, अपनी कब्र तुमने अपने हाथ से खोदी है। अभी तो सिर्फ रसाकशी, लेकिन अब तो बाकायदा जंग होगी। किसी को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। याद रखना तुम दोनों, तुम्हें अब इसकी धमकियों से घबराने की कोई जरूरत नहीं। और मुबारक हो, तुम असद से आजाद हो, बल्कि तुम्हें एक नई जिंदगी मुबारक हो। आओ। पिंकी, पिंकी, मेरी बेटी। वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ। आई नो दैट, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होने दूंगा मेरी बेटी को, कुछ नहीं। इस घर से भगाकर तसल्ली पड़ गई तुम्हारी कलेजे में, चली गई है वो हमारी जिंदगी से, अब खत्म कर दिया तुमने सब कुछ। ले लिया रम ने, अदालत ने जबरदस्ती तलाक के कागजात पर दस्तखत ले लिए मुझसे। तुमने अपनी बेटी लेने करनी था, ये तुमको डराया नहीं? हाँ मांगा था, लेकिन अदालत ने उसको भी माँ के हवाले कर दिया, ये कहकर के दूध पीती बच्ची माँ के अलावा रह नहीं सकती। वैसे तुमने उस बदारी औरत को थप्पड़ मारकर बहुत अच्छा किया, गिरे हुए लोगों को उनकी औकात बतानी चाहिए। अम्मी, मुझे अभी भी नहीं लगता कि मेहरू ने उसे बताया, बस इरम का गुस्सा मेहरू पे निकाल दिया मैंने। आप भी तो भिला वजह मेरे कान भरती रहती हैं।
सुना है तुमने, इद्रीस की बेल हो गई, अब वो हमें कोर्ट में घसीटेगा, अपने केस को फॉलो करेगा। पहले केस रीओपन हो गया और अब कोर्ट ने पेशी की डेट दे दी। ये तुम्हारे और मेरे नाम कोर्ट का नोटिस। तो आपके लिए क्या मसला है डैड? केस तो आपके हक में क्यों चेंज हो जाएगा? और फिर आप तो बहुत पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं ना। बस क्या आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते? मैं तो बहुत खुश हूं कि आपकी रिहाई हो गई और आप मेरे पास आ गए। पता है, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि मुझे तब तक मौत ना दीजिएगा जब तक मेरे डैड केस जीत कर वापस ना आ जाए। जी मेरा बेटा जी, हम भी आपके बगैर कुछ नहीं है बेटा, हमारी फैमिली भी आपके बगैर अधूरी है। एक और गुड न्यूज है, इरम को खुला हो गई। फराज इरम को लेके बस यहीं आ रहा है, एक दो घंटे में पहुंचने वाले। अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे वाले। ये सब कैसे हुआ?
मुझे किसी ने कुछ क्यों नहीं बताया? मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दू, अब मैं आ गई हूं ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। I'm sorry, अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारे पास आती और मुझे माफ कर दो। माजी प्लीज मत रो, आपकी बेटी सबके मैं इतनी जल्दी थोड़ी जाऊंगी। आपकी चिंता मत, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि इतनी इतनी सारी खुशियां मुझे मिल रही, वो भी एक साथ। मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी, अब रोना बंद कर। हाँ मैं आ गई हूँ ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे पास। हाँ जाबाश मेरी प्यारी बहन हो ना, हाँ मुझे तो तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी। क्या बात है इकबाल साहब, आज आपको मेरे घर आने की फुर्सत कैसे मिल गई? फॉर अपोलॉजीज एंड टू से सॉरी, कंडोलेंस के लिए, और सोचा कि आपसे कुछ निगोशिएट किया जाए। क्या मैं बैठ सकता हूं? जी प्लीज बैठिए। सुना है तुम मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही दे रहे हो, ऐसा मत करना। इजरीस के खिलाफ गवाही देने के बदले में आपने जो पैसे मुझे देने थे वो नहीं दिए। मेरी बीवी बीमार हो गई, उसे इलाज के लिए फॉरेन कंट्री ले जाना था, मैं तब भी आया था आपके पास, आपने उस वक्त भी मुझे पैसे नहीं दिए, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। मेरा सब कुछ खत्म हो चुका, तब आए हैं आप मेरे पास। सॉरी कहा ना मैंने, आई एम सॉरी फॉर योर लॉस। देखो मैं अब भी तुम्हें वो सब पैसे दे सकता हूं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दे सकता हूं, अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे तो मैं रख सकता हूं, लेकिन इसके बावजूद अगर तुमने कोर्ट में गवाही दी तो तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूं, मेरी रसाई कहां तक है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ ये अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए या नहीं। एक ब्लैंक चेक लेके आया हूं, अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें रकम भर ली। डैड देखे ना, सब चुप बैठे हुए, कोई मुझसे बात नहीं कर रहा, जबकि मैंने बताया भी कि ब्रेन ट्यूमर तो मुझे गम और डिप्रेशन की वजह से हुआ है। डैड मैं इतनी खुश हूँ, मुझे इतनी सारी खुशियां मिल गई। डैड
लोग को समझाए ना कि मुझसे बात करें। हाँ बेटा, डैड आप तो खुद रो रहे हैं, तो पेशेंट इतना खुश है तो अटेंडेंस क्यों रो रहे हैं? कुछ कुछ नहीं, तो ठीक हो जाएगा। सादिक एयरपोर्ट पे पहुंचो, मैं अभी एक घंटे के बाद आ रहा हूं। सारे अरेंजमेंट्स हो चुके? ओके गुड गुड, ओके बाय। डैड क्या हो गया, इतनी परेशानी में बुलाया? समी बेटा, कल हमारी कोर्ट में पेशी है, लेकिन कल मैं अकेला कोर्ट में पेश होगा, तुम नहीं। लेकिन डैड, कोर्ट ने तो मुझे भी बुलाया। आई नो, लेकिन कल हमारा वकील तुम्हारे बिहाफ पे बात करेगा कि तुम लंदन में हो और वापसी का टिकट नहीं मिल सका, इसलिए तुम नहीं पहुंच सके। ये तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स है, ये पासपोर्ट, वीजा और टिकट करवा लिया मैंने। डैड लेकिन मैं अगर आज की डेट पर गया तो कोर्ट को तो मालूम हो जाएगा। तुम आज नहीं जा रहे हो, बल्कि एक हफ्ता पहले जा चुके हो। ये सब कुछ मैंने बहुत मुश्किल से अरेंज किया है। जब हम केस जीत जाएंगे तुम वापस आ जाओगे, जब तक इदरीस जेल चला जाएगा। और सुनो, मैंने तनवीर समेत सब गवाहों को खरीद लिया है। यू नो, पैसा बोलता है, और तुम तब तक वही रहोगे। लेकिन डैड, में इतना बड़ा बोझ अपने जमीर पर लेकर यहां से नहीं जा सकता। तुम अपने जमीर को अपने पास रखो। हमें अपनी साख की पड़ी और तुम्हें अपने जमीर की पड़ी है। जल्दी एयरपोर्ट चलो, ये पकड़ डॉक्यूमेंट्स। जब तक तुम्हारा जहाज टेक ऑफ नहीं करेगा, आई विल बी देयर एट द एयरपोर्ट। ओके, चलो चलो चलो, कम। डैड को चले, पेशी का वक्त हो गया, देर हो जाएगी। मैं पिंकी को उस हाल में छोड़ के कैसे जाऊं, समझ नहीं आ रहा मुझे। डैड आप जाए, मैं ठीक हो रही हूं। डॉक्टर को फील नहीं हो रहा, पर मुझे फील हो रहा है, मैं ठीक हो जाऊंगी। आप जाए, केशजीत का जल्दी से आ जाए। इदरीस प्लीज, कोर्ट का वक्त निकल जाएगा, आप जाए ना। अच्छा ओके बाबा, आगे जाओ। ओके डैड, जी बेटा। आप जानते हैं मैं आपको बाय बाय क्यों नहीं कह रही? क्योंकि मुझे मालूम है आप बाइज्जत केस जीत कर वापस आएंगे। इस केस के सिर्फ दो ही मुद्दई हैं, एक मिस्टर इकबाल जो इस वक्त कोर्ट में मौजूद हैं, और मिस्टर समी जो इस वक्त कोर्ट में हाजिर नहीं हुए। ये सरासर अदालत की तौहीन है। योर ऑनर, मेरे दूसरे मुकिल समी जो कि बिजनेस के सिलसिले में लंदन गए हुए थे, आज उनको आना था। एक्चुअली उनकी फ्लाइट डिले हो गई, इसलिए उन्होंने अदालत के नाम एक माजत की एप्लीकेशन ईमेल की है, जिसका प्रिंट आउट आपकी फाइल में मौजूद है। योर ऑनर, मैं मिस्टर तनवीर को कटहरे में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है?
जी मिस्टर तंदीर, आप पहले भी मिस्टर अदरीस के खिलाफ गवाही दे चुके हैं। आज फिर कोर्ट ने आपको गवाही देने के लिए तलब किया है। आपका बयान वही है या कुछ और आप कहना चाहेंगे? मेरी पहली गवाही बेबुनियाद थी। इकबाल के कहने पर मैंने अदालत में झूठी गवाही दी और उसके लिए जैसा आप उसके लिए इकबाल ने मुझे एक बड़े अमाउंट की पेशकश की थी। और जैसा आप आज की इस गवाही से मना करने के लिए दो दिन पहले इकबाल मेरे घर आया था और इसे मुझे धमकी भी दी कि मैं इसके खिलाफ गवाही ना दूं। और वह धमकी जैसा मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड भी की है। गुड, ये तो बहुत अच्छा है। मिस्टर तनवीर, ये धमकी जरा अदालत को भी सुनाइए। मोबाइल पे जरा स्पीकर ऑन कर दीजिए। सॉरी कहा है मैंने, सॉरी फॉर योर लॉस। देखो मैं अब भी तुम्हें वो सब पैसे दे सकता हूँ, बल्कि उससे कहीं ज्यादा दे सकता हूँ। अपनी कंपनी में एक अच्छी पोस्ट पे तुम्हें रख सकता हूँ, लेकिन इसके बावजूद अगर तुमने कोर्ट में गवाही दी तो तुम जानते हो कि मैं क्या कुछ कर सकता हूँ, मेरी रसाई कहाँ तक है। अब फैसला तुम्हें करना है कि तुम्हें अपनी जिंदगी के साथ ये अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए या नहीं। एक ब्लैंक चेक लेके आया हूँ, अपनी हैसियत के मुताबिक इसमें रकम भर लेना। पिंकी, पिंकी, पिंकी क्या हुआ जानी? पिंकी मेरा बच्चा क्या हो गया? मॉम, मॉम ये झटके क्यों दे रही है? सॉरी, तुम अली को बोलो कि डॉक्टर को लेकर आए, जल्दी जाओ। पिंकी, पिंकी, क्या हो रहा है इसे? डॉक्टर को बुला लो। तबीर के मोबाइल में अहबाज साहब की आवाज का ताल्लुक तो यो ना, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी का दौर है, जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। बच्चे बच्चे को पता है कि एक मामूली सॉफ्टवेयर के जरिए आवाजें बासानी बदली जा सकती हैं, चेंज की जा सकती हैं। मर्द की आवाज को औरत की आवाज में बदला जा सकता है और औरत की आवाज को मर्द की आवाज में बासानी चेंज किया जा सकता है, कतई किसी कबाह के। इवन ये कि वीडियो क्लिप्स में बोलने वालों के लिपसिंग के साथ डबिंग करके किसी भी आवाज को बासानी मैच कराया जा सकता है। या ऑनर, मेरे मौकल इकबाल की आवाज जैसी आवाज भी यहां मैचिंग करा के सुनाई गई। कोर्ट प्रूफ मांगता है। तनवीर का यह भी कहना है कि उसने इकबाल साहब से पैसे लेके इदरीस के खिलाफ बयान दिया था, तो क्या वो इदरीस से पैसे लेके इकबाल साहब के खिलाफ बयान नहीं दे सकता? इकबाल साहब के खिलाफ गवाही नहीं दे सकता? या ऑनर, जाली अदवियात की डीलिंग के पेपर्स पर इदरीस के स्टैम्प्स और सिग्नेचर मौजूद है जो ऑलरेडी इस केस में अटैच है। वो बैंक मैनेजर भी यहां मौजूद है जिसे इदरीस ने कंपनी और घर के नाम पे करोड़ों रुपए का लोन लेकर रिटर्न नहीं किया, कभी रिटर्न नहीं किया। योना, वो ड्रग इंस्पेक्टर हमीद खान भी यहां मौजूद है जिन्होंने जाली अदवियात को लेबोरेटरी से जाली प्रूफ करवा के यहां कोर्ट में पेश किया। ये केस पहले भी सुना जा चुका है। योना, ये लोग इस केस को दोबारा रीओपन करके सिर्फ और सिर्फ कोर्ट का वादा आएगा। इनके पास कोई प्रूफ, कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मौजूद नहीं। लिहाजा मैं आपसे दरखास्त करता हूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उस केस के फैसले को सुनाएं जो पहले भी सुनाया जा चुका है। दैट्स ऑल योर ऑनर, थैंक यू। सॉरी फॉर इंटरप्शन जैसा, इस केस का दूसरा मुद्दई मिस्टर समी, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो लंदन में है लेकिन वो इस वक्त कमरा अदालत से बाहर है, देर से आने से वो माजर चाह रहे हैं और कोर्ट के अंदर आकर अपना बयान देना चाह रहे हैं। जज साहब,
अगर आपकी इजाजत हो तो मैं मिस्टर समी को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत समी राजीव। लेकिन मैं अपने जमीर पर इतने बड़े गुनाह का बोझ लेकर नहीं जा सकता था। I'm sorry, Dad। आज मैं इसको फेस करने और अपने इस बोझ को उतारने आया। Your Honor, मुझे बड़ी शर्मिंदगी के साथ ये इतराफ करना पड़ रहा है कि मैंने और मेरे डैड ने इद्रीस अंकल के साथ धोखा किया। इन्हीं की कंपनी में रहते हुए मैंने और मेरे डैड ने जाली अद्वियात बनाने वाली कंपनियों के साथ डीलिंग की और सारे डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर इद्रीस अंकल के किए थे। बैंक मैनेजर बैठे हैं, इनके सामने इद्रीस अंकल नहीं बल्कि मैं और मेरे डैड गए थे कंपनियों और घर के नाम पर। हम दोनों ने ही लोन लिया था और उस पर भी सिग्नेचर हम नहीं किए थे, जाली सिग्नेचर। बैंक मैनेजर को डैड ने एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट दी थी। योर ऑनर, इद्रीस अंकल एक बेगुनाह और सच्चे इंसान। मैंने और मेरे डैड ने इद्रीस अंकल की सच्चाई और भरपूर एतमाद का नजायज फायदा उठाया। मैंने रुस्वा किया। That's it। ऑक्सीजन एक घंटे तक लगा रहेगा तो शिफ्ट भी ओके, नो नीड टू वरी। स्टाफ पाबंदी से मेडिसिन दे रहा है तो उसको प्लीज कंटिन्यू रखिएगा। ओके, अब मेरे बेटा नहीं इसको लगा रहा है तो प्लीज इसको लगा रहा है। शाबाश, रिलैक्स। हाँ, शाबाश बेटा, शाबाश। पिंकी जानी, डॉक्टर साहब कह रहे हैं थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा, मत उतारो इसे। गुड, वेरी गुड। अगर किसी भी चीज की जरूरत है जस्ट मी कॉल। ओके, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि इद्रीस बेगुनाह है। अदालत इद्रीस की कंपनी को बहाल करने, उसके अकाउंट्स को रीओपन करके, उसके घर को इकबाल के कब्जे से लेकर वापस उसी के हवाले करने के अहकाम जारी करती है और ये अदालत इकबाल की कंपनी को सील करके उसके अकाउंट्स को ब्लॉक करने, उसे 7 साल कैद की सजा, जबकि समी वादमा गवाह बन चुका है, उसे सिर्फ 1 साल कैद की सजा सुनाती है। वकील साहब, समी डैडी, आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। तुम्हें सिर्फ 1 साल की सजा हुई है ना, अगर 14 साल की भी सजा होती तो मैं 14 साल तुम्हारा इंतजार करती।
अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना, और जब एक साल बाद वापस आओगे ना तो लौट के जरूर आना, मैं इंतजार करूंगी। हेलो हेलो मॉम, मॉम मुबारक हो, हम केस जीत गए। बस मैं और डैड अभी के अभी आपके पास आ रहे हैं। अच्छा आ जाओ। हाँ हाँ खुदा हाफिज। चलो बाय। तुम्हारे डैड रिहा हो गए, हम केस जीत गए और वो हॉस्पिटल आ रहे हैं। पिंकी पिंकी तुम्हारी दुआ कबूल हो गई मेरा बच्चा। मॉम अल्लाह ताला ने मेरी दुआ सुन ली, मैंने अल्लाह ताला से दुआ की थी कि आप मेरी जिंदगी तो ले ही रहे पर बदले में कम से कम मुझे डैड वापस भेज दे। डैड को केस जिसवा दे और उन्होंने मेरी सुन ली, कम से कम मैं आसानी से तो जा सकती हूँ ना, पर आराम से जाऊंगी। क्यों नहीं हुआ? हमारी अब वो वाली हैसियत नहीं रही हमें, अब हम अब्बा के छोड़े हुए चांद देकर जमीनों पे गुजारा करेंगे। हमारी हैसियत एक मजारे की होकर रह जाएगी। ये अदालत का हुक्मनामा है, इदरीस मामू ने जमीनों का केस जीत लिया है, हमारी जमीनें और बगात सब हमसे छिन चुके हैं। कुछ नहीं था हमारे पास, कुछ भी नहीं। असद मैं सोचती थी कि तुमसे शादी करके इस घर में आऊंगी तो मुझे आम औरत वाली इज्जत मिलेगी, जिस तरह तुमने मुझे कबूल किया तुम्हारी माँ भी मुझे कबूल करेगी, लेकिन यहाँ इतने अरसे रहने के बाद भी वो आज भी मुझे बाजारी के नाम से याद करती है। तुम्हारी जिंदगी में तो एक आम सी औरत की जगह नहीं बन पाई, तो मैं तो फिर भी एक मैं अपनी और अपने बेटे की एक नई दुनिया बनाने जा रही हूं। जिसमें ना तुम हो और ना मैं, मुझे तुम्हारी और अम्मा की दुनिया से अब कोई हर्ज नहीं। मेरू क्या कह रही हो? बचाओ मेरू। मुझे अब दुनिया की कोई ताकत जाने से नहीं रोक सकती है सर। मेरू मैं अब भी तुमसे प्यार करता हूँ, मोहब्बत करता हूँ तुमसे। मोहब्बत करने वालों के दिल मोम के होते हैं, पत्थर के नहीं। असद
में एक बार पत्थर से टकरा चुकी हूँ, दोबारा नहीं टकराऊंगी। असद, ये बात मत भूलो कि ये मेरा बच्चा है। अगर तुम इस घर से बाहर निकली तो अकेली जाओगी, इसके बगैर जाओगी। आ गए ना अपनी औकात पे? मोहब्बत के दावे करने वालों के मुंह पर तेरे और मेरे नहीं होता असद। वाह, अरे जन्नत में भी औलाद को माँ के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ तो अपना जोर चला लो जितना चलाना है, वहां भी क्या अल्लाह के सामने इसी तरह डटे रहोगे? तुम्हारा खून नहीं है, ये एक बाजारी खून है और सारी जिंदगी ये बाजारी औलाद के नाम से पहचानी जाएगी। ना मैं इसकी परवरिश करूंगी और ना तुम्हें करने दूंगी, समझे? ये बच्चा तुम्हारे नाम से नहीं अपने आमाल से पहचाना जाएगा। मैं इसे हैवान नहीं इंसान बनाऊंगी। जा रही हूँ मैं। पैरू, अम्मा रोके उसे, अम्मा वो जा रही है मेरे बच्चे को ले। इससे ज्यादा एक ही लफ्ज़ है, और कुछ कहा ना तो तुम भी चले जाओ इस घर से, समझे? जाओ। इदरीस, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू कर दिया। ये मैं नहीं जीता बेटा, हमारी फैमिली जीती है। ये उस अल्लाह का एहसान है हम पर। कॉन्ग्रेचुलेशन डैड। पापा की जान, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है मेरा बेटा। कहते हैं ना, अल्लाह बीमार और बच्चे सबकी दुआएं सुनता है। पिंकी, पिंकी, Thank you.